भाषा। सबसे पहले हम लोग इस बात को जानेंगे कि रसायन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको एक लेटर या नंबर के माध्यम से हम प्रेडिकेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। Need many words to describe a chemical change in ordinary language. आपको रासायनिक परिवर्तन का वर्णन करने के लिए कई शब्दों की जरूरत होती है या जरूरत पड़ेगी। But you can do so with only a few letters and numbers in the language of chemistry. यानी रसायन विज्ञान में इन नामों को केवल अल्फाबेट के एक लेटर मार्क या नंबर से हम लोग उसको प्रेडिकेट कर सकते हैं। जे जे बर्जेलियस लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस लैंग्वेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। महान रसायन शास्त्री जे जे बर्जेलियस ने इस लैंग्वेज यानी इस भाषा को 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ किया था। इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म और धीरे धीरे आधुनिक युग में यह बहुत ही आधुनिक युग में इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दिस लैंग्वेज एन एटम इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल। यानी रसायन विज्ञान में परमाणु को सिंबल से और मॉलिक्यूल को फॉर्मूला के माध्यम से लिखा जाता है। अब हम लोगों को जानना है सिंबल क्या है। व्हाट इज अ सिंबल? ए सिंबल इज एन एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि एलिमेंट का संक्षिप्त रूप यानी छोटा नाम ही सिंबल या प्रतीक कहलाता है। द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट have been derived in three different ways. इस सिंबल को हम लोग तीन अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। The first letter in capital of the English name of an element. कहने का मतलब है कि सबसे पहले element जिसको हम लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं प्रतीक चिन्ह में। जैसे है आपका एलिमेंट हाइड्रोजन, उसका सिंबल प्रतीक चिन्ह हो गया कैपिटल H, ठीक। ऑक्सीजन, उसका सिंबल कैपिटल O, और नाइट्रोजन, इसका सिंबल कैपिटल N। इसी तरह फास्फोरस कैपिटल P, सल्फर कैपिटल S, कार्बन कैपिटल C। जैसा कि हमने देखा किसी भी एलिमेंट्स को सिंबल के रूप में लिखने के लिए हम लोग तीन तरह से का इस्तेमाल करते हैं। पहला आपको दिखाया गया, दूसरा हम लोग करके दिखा रहे हैं। दूसरे लेटर को यानी दूसरे सिंबल को हम लोग दिखा रहे हैं। दिया हुआ द फर्स्ट लेटर अलोंग विद वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट
अब प्रश्न उठता है व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट, कैसे प्रतीक को प्रस्तुत किया जाएगा। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, तो हम लोग जानेंगे कि सिंबल को यानी किसी भी तत्व के प्रतीक को हम लोग इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर वन है एन एलिमेंट इन पार्टिकुलर, एक तत्व विशेष रूप में, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यू नो दैट सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। जैसा कि हम लोगों ने देखा सोडियम इंग्लिश नेम है लेकिन इसका लैटिन नेम Na होने के कारण इसका प्रतीक चिन्ह Na हो गया। ठीक उसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द कंपाउंड कॉमन सॉल्ट इज मेड ऑफ द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन, यू कैन से दैट इट इज मेड ऑफ Na and Cl। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड कॉमन सॉल्ट यानी साधारण आम्लनमक बना हुआ है सोडियम और क्लोरीन से, तो हम लोग इसको Na और Cl भी कह सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह NaCl कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट Cu इज रेड ब्राउन। इसके अलावा आप कह सकते हैं क्या Cu, Cu किसका सिंबल है, कॉपर का, जो कि रेड लाल या भूरा होता है, जबकि Au इज येलो। Au किसका सिंबल है, गोल्ड का, और गोल्ड जो होता है पीला होता है। एंड दैट Ca इज मेटल वेयर Cl इज ए नॉन मेटल। हम कह सकते हैं Ca क्या है, एक धातु है, जबकि Cl अधातु है यानी धातु नहीं है। दूसरा है कि हम लोग सिंबल को कैसे प्रेजेंट करें, अभी एक आपको बताया, अब नंबर टू बता रहा हूं एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व का परमाणु। इन फॉर्मूला एंड इक्वेशन ए सिंबल